हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों की बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी एसएससी सीपीओ 2023 से रिलेटेड। और उससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अलग लग रहा होगा और बैकग्राउंड से आपको थोड़ी सी आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है और जो टाइम होता है उसी को फिर यूटिलाइज़ करने का प्लान करती हूँ। अभी मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर हूँ, कुछ ऑफिशियल काम से मैं चेन्नई आई थी। ऑफिशियल काम आपको पता ही है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो मेरी जॉइनिंग थी उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड काम था, तो मैं चेन्नई आई थी आज। अभी मेरे पास कुछ टाइम था, मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर लिया जाए क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सीपीओ 2023 से रिलेटेड बताओ, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी तो कब आएंगी, क्या पैटर्न चेंज हो सकता है, क्या हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर ये भी था कि सीईटी के साथ तो कोलैब नहीं हो जाएगा, कितने दिन में हमारी वैकेंसीज आ जाएंगी, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल में डिसीजन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का था कि सीपीओ 2023 कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। सीपीओ 2023 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। सीपीओ 2021 सिर्फ एक ऐसा एग्ज़ाम गया है जो कंडक्ट नहीं करवाया गया है पिछले कुछ सालों में, वो भी कुछ रीज़न थे, कोविड की वजह से मान सकते हो या काफ़ी सारी रीजन्स थे उसकी वजह से एक एग्ज़ाम इनको बीच में छोड़ना पड़ा। इनको अपनी जो ट्रेनिंग्स थी उनको भी साथ में कोलैब करना था क्योंकि बहुत पीछे चल रहे थे ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि अभी 2018 का बैच रनिंग चल रहा था, तो इस वजह से। तो 2023 का आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करना चाहूँगी, मैं आपको एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड मंथ भी बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। उससे पहले मुझे कहना है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के पीछे मत भागा करो कि 24 घंटे हाँ इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है ये, आपको सुनने में भी शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये फैक्ट है। जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो आप लोग भी स्पेशली नोटिफिकेशंस के पीछे ना भाग के कि कब आएगा इसका नोटिफिकेशन, कब कंडक्ट करवाया जाएगा, उसकी जगह अगर आप फोकस करते हो कि आपने कितना पढ़ लिया और आपको आगे क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। जैसे कि अभी सीपीओ 2023 में देखा, 22 में देखा आपने, सीजीएल 2022 में भी देखा है, रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा लेवल पूछा जा रहा है। तो क्यों ना जिस टाइम के अंदर हम सोचते हैं कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, हम एक घंटा आधा घंटा अपना रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा निकालें और रीजनिंग को अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें सबसे ईजी लग रहा होता था उसी के अंदर हमारा स्कोर नहीं हो रहा है तो बाकी कहाँ स्कोर करेंगे। आपको ऐसे लगता रहता है कि हाँ पेपर जब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे, तब हो जाएगा, उस टाइम पे नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखा करो। उसके साथ साथ अगर आपको जानना है कि आपका सीपीओ कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट या एक्सपेक्टेड मंथ, देखो ऐसे फिक्स तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो आपकी सीजीएल और सीपीओ दोनों की ही इनको जो वैकेंसी फिल करनी है वो दिसंबर तक आपको कंप्लीट करनी है, तो उसकी वजह से जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग जून और जुलाई के अराउंड आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, प्री एग्जामिनेशन जो है आपका, क्योंकि उसके बाद इनको फिजिकल भी करवाना होगा, उसके बाद इनको मेंस भी लेना है, मेडिकल भी लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए जो आपका प्रोसेस है वो भी लंबा होता है, तो इनको एटलीस्ट इतना तो टाइम चाहिए। और अभी इनका यही वाला प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, तो जून जुलाई से पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जून के अराउंड आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, पिछले वाले वीडियो के अंदर भी आए थे, क्या जो 2023 में बच्चे पास आउट होंगे उनको मौका मिलेगा अपना एग्ज़ाम देने का? तो मेरे अकॉर्डिंग उनको मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे 2022 वाले जो बच्चे थे उनको ऑलमोस्ट को मौका मिला है, अगर किसी का बहुत ही लेट हो गया है एग्ज़ाम तो उनके लिए नहीं था। हर बार ऐसे ही होता है, वैसे CDS वगैरह में भी आपने देखा होगा कि वो तो ऐसे बोलते हैं जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा अगर तब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो भी आपको हम एलिजिबल करते हैं, अपीयरिंग में भी एलिजिबल करते हैं। यहाँ पे अपीयरिंग में तो एलिजिबल नहीं करते हैं, लेकिन SSC कुछ ना कुछ वे आउट निकालेगी अगर ये अपनी वैकेंसी जल्दी दे रहे हैं तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं बच्चे वो 2023 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने चाहिए। तो इसलिए जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं उनके 90% चांसेस हैं कि दे विल गेट चांस सीजीएल के अंदर भी और सीपीओ के अंदर भी। एज वगैरह का जो होता है 20 से 25 ईयर्स की आपकी एज होती है, इस बार वाला देखोगे तो उससे एक
ईयर उधर घटा देना है, उधर बढ़ा लेना है, यही आपका ईयर का रहेगा, कुछ ज़्यादा वो डिफरेंस होता नहीं है एज वगैरह में। उसके बाद आपका था कि सीईटी के साथ तो इसको कोलैब नहीं कर देंगे, पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा। देखो पैटर्न चेंज के ऊपर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। सीएचएसएल का किसी को पता था, सीजीएल का किसी को पता था पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे इस पैटर्न चेंज के ऊपर जो बोलना है वो ये है कि पैटर्न चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो ख़राब हो जाता है या वो यूज़लेस हो जाता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो वो आपको काम आएगा। अब सीजीएल का ले लो, सीपीओ का ले लो, किसी का भी ले लो, सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, सिर्फ क्वेश्चंस के और नंबर ऊपर नीचे कर देने से कोई एग्ज़ाम अलग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो तो हमें करनी है। उसके बाद अगर हमारा एग्ज़ाम का कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है तो क्या हो गया, तो मॉक उस पैटर्न के लगा लेंगे, उस पैटर्न से हमारे को क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर हमने तैयारी ही नहीं की है तो फिर कोई भी पैटर्न आए हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर की चीज़ों पे करने की जगह कि आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कैसे होगा, अभी दोबारा से फिर कह रही हूँ मैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने चारों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। चारों सब्जेक्ट के ऊपर आपकी इतनी अच्छी होल्ड होनी चाहिए कि जब भी वैकेंसी आए तभी आपका सिलेक्शन हो जाए। सीईटी के साथ कोलैब वगैरह होने का भी कुछ ऐसा नहीं है अभी तो न्यूज़ में कि ऐसा कुछ होगा, जहाँ तक है वो अलग अलग ही कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी हो जाता है, अभी बताया कि अपनी तैयारी काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आएगा। एट द एंड अगर आपने तैयारी की हुई है तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज़ तो फिर आपको पता ही है क्या हाल होता है। डीएल से रिलेटेड डाउट होते हैं बच्चों के, डीएल अपना टाइम से बनवा लेना भाई। अगर दिल्ली पुलिस आपको चाहिए तो ड्राइविंग लाइसेंस अपना अभी अप्लाई कर दो, कॉन्स्टेबल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपको बॉयज़ हो, मेल को ज़रूरत नहीं है, बॉयज़ हो तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। उसके बाद और भी अगर कोई भी डाउट है आपको एसएससी सीपीओ से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और बहुत ज़्यादा लोगों का सेम कमेंट होगा तो मैं आपको वीडियो बना के भी बता दूँगी। हाँ एक चीज़ रहेगी कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो वीडियो है वो सोच रखा है, प्लान कर रखा है, रेडी कर रखा है। बहुत जल्दी वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, 2023 की आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूँगी। जो ये स्ट्रेटेजी है सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के लिए सिमिलर ही रहेंगी आपकी। अगर कोई बच्चा दो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो माइट भी वो दोनों की स्ट्रेटेजी देखेगा तो बहुत कम ही डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत कम ही डिफरेंस होता है। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी कोई भी है कि मतलब आपको क्या है कि 5-4 बुक्स हैं जो मैं पर्टिकुलरली बताती हूँ और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही पढ़नी है आपको और अपना सिलेबस कम्प्लीट करना है, ये स्ट्रेटेजी होती है। सीपीओ 2023 के लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो पोस्ट करूँगी, रिजल्ट आपका आने वाला है। फिजिकल के लिए भी मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दी है सीपीओ 2022 का, जिनका फिजिकल है तो अपने फिजिकल की तैयारी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।